मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं शर्ट के पेस्टिंग कैसे करते हैं, शर्ट में खर्चा कैसे चिपकाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों तो दोस्तों ये शर्ट हैं, ये हमारी कटी हुई है, तो इसका हम खर्चा करेंगे, इसकी पेस्टिंग करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों ये उल्टी साइड हैं, तो हमने प्रेस गरम कर ली है और यहाँ से हम प्रेस गरम करके और हल्के हल्की प्रेस लगा लेंगे। ये उल्टी साइड हैं, इस साइड हमारी जो फैशन पट्टी चिपकी है वो चिपकाएंगे। तो दोस्तों ये हमारी फैशन पट्टी है, ये हमारी फैशन पट्टी है, ये 1.25 इंची की है। तो हम जो हमारा ये 2 इंची का कट लगा हुआ है यहाँ के बराबर हम कट कर लेंगे इस तरीके से। कट करने के बाद में इसको हम यहाँ पर रखेंगे, किनार पर रखेंगे और पेन से निशान लगा लेंगे इस तरीके से। जितनी हमारी फैशन पट्टी है उतने हम ये निशान लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में हम जो निशान लगाए हैं उसके ऊपर रखेंगे, लेकिन हमें यहाँ से कम काटना होगा, यानी कि हल्का सा ऊपर रखना होगा इस तरीके से, ताकि हम इसमें जब सिलाई करें तो ये मोटा न हो जाए यहाँ से। तो हम लगभग 1/2 इंची इसको ऊपर रख लेते हैं फैशन पट्टी को, और जो हमने निशान लगाया है वहाँ पर हम इस तरीके से इसको चिपका लेते हैं। अच्छे से चिपका लेना है, उखड़ न जाए इस बात का ध्यान रखें, और जो हमने निशान लगाया है ना पेन का, वहाँ पर ही इसको अंदर की साइड में चिपका देना है इस तरीके से। अच्छे से चिपका देना है, और चिपकाने के बाद में हम इसको मोड़ देंगे इस तरीके से, इसको इस तरीके से मोड़ देंगे ऊपर तक, हम इसको इस तरीके से मोड़ देंगे। और मोड़ने के बाद में हम इसको एक बार और मोड़ देंगे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको मोड़ देंगे। इसमें हम सिलाई लगाएंगे, तो दोनों तरफ यहाँ पर एक बोंट की सिलाई लगाएंगे और इसकी इस साइड में हम एक बोंट की सिलाई लगाएंगे, तो ये हमारी डिजाइन है वो इस तरीके से ये बन के तैयार होगी, ठीक है दोस्तों। अब ये हम क्या करेंगे, इसकी जेब बनाने के लिए हम यहाँ से लगा लेंगे, ये निशान लगा लेंगे 8.5 इंची पर लगा लेंगे, और हमारी जेब बनेगी वो हम यहाँ से 2 इंची दूरी पर फैशन पट्टी को नाप के और फिर बनाएंगे। तो इसमें ये फूल हैं, ये बारीक फूल हैं, इसमें लाइन मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही बना लेंगे इसकी जेब। तो अब इसकी हम जो इसमें बटन लगते हैं उसको हम यहाँ से 2 इंची तक इस तरीके से मोड़ लेते हैं, इस तरीके से मोड़ के और यहाँ पर प्रेस लगा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमने प्रेस लगा लिया है, और ये किनार है, इसको हम जब सिलाई मशीन पर जाएंगे तो कटिंग कर लेंगे और अंदर की साइड में 1 इंची की ये पट्टी बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें कुछ नहीं करना है, हल्की सी प्रेस लगा लेंगे, ये हमने हल्की सी प्रेस लगा ली है। और देखो प्रेस लगाने के बाद में हमारे को ये एक्स्ट्रा निकल रहा है इसका इस साइड से, तो यहाँ से भी इसकी थोड़ी सी छटाई कर देते हैं इस तरीके से, ये बराबर में आ गया है। और ये हमारी इसकी आस्तीन है, इसका तो कोई काम है नहीं, इसकी चौक पट्टी बनेगी। तो चौक पट्टी के लिए मैंने ये 1 इंची की पट्टियाँ हैं इसको मैंने काट ली हैं, जो अब इसकी हम 1 इंची चौड़ी है, 7 इंची लंबाई की है, तो हम इसमें चिपकाएंगे। तो कैसे चिपकाएंगे देखना दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम सब चिपका लेते हैं, इसको यहाँ से काट लेते हैं और इसको भी यहाँ से काट लेते हैं। और ये मैंने कप काट लिए हैं, कप काटे हैं मैंने 8.5 इंची के, और लंबाई में ये लंबाई में 8.5 लिए हैं और चौड़ाई में लिए हैं 2.25 के। ये मैंने पेस्टिंग से फाड़ के और फिर कटिंग की है,
और अब हम ये गूंद वाला हिस्सा है वो हम इस तरीके से रखेंगे अंदर की साइड में, और यहाँ पर हम इसको चिपका देंगे इस तरीके से, अच्छे से चिपका लेंगे। अच्छे से चिपकने के बाद में दूसरी साइड भी हम, ये डबल कपड़ा है, ये डबल कपड़ा है, तो दूसरा कप हम यहाँ पर भी प्रेस लगा लेंगे हल्की सी, और फिर यहाँ से हम गूंद अंदर की साइड लगा हुआ है तो इसको हम यहाँ से रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ से इसको चिपका लेंगे इस तरीके से, चिपका लेंगे अच्छे से चिपका लेंगे। और अच्छे से चिपकने के बाद में इसको हम यहाँ से मोड़ेंगे इस तरीके से, और मोड़ने के बाद में ऊपर की साइड हम यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, इसको भी यहाँ से मोड़ लेंगे इस तरीके से, ठीक है। एक्स्ट्रा कपड़ा है हम बाद में काट लेंगे, वीडियो लंबी हो सकती है इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। फिर हम इसको यहाँ से मोड़ेंगे इस तरीके से, और फिर इसको यहाँ से मोड़ देंगे, यहाँ पर भी हमारी एक बोंट की सिलाई आ जाएगी। एक्स्ट्रा कपड़ा है हम बाद में काट लेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा साइड में निकला हुआ कपड़ा है, तो इसमें हम कॉलर चिपका लेंगे, तो देखना किस तरीके से हम कॉलर चिपकाते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, कॉलर हैं वो हम फेस्टिंग से फाड़ के और फिर कटिंग करते थे, लेकिन आजकल क्या है कि रेडीमेड तैयार मिल जाती है, तो मैं रेडीमेड ये मैं मंगा लेता हूँ। अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग आती है, 12 नंबर की भी आती है, 11 नंबर की भी आती है, आप जिस साइज की चाहे वो आपको कटी कटाई तैयार मिल जाती है, तो मैं कटी कटाई तैयार ही लेता हूँ। इससे क्या होता है कि दोस्तों हमारा समय भी बच जाता है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो दोस्तों हम मैंने ये सिर्फ ऐसे ही आती है, और ये है मैंने ये ऊपर जो कॉलर में कोने में लगाते हैं वो मैंने फेस्टिंग से अलग काटी थी, वो आई नहीं है इसमें, किसी में आ जाती है किसी में नहीं आती है, तो नहीं आती है तो हमको काटना आता है, तो हम इस तरीके से ये तिकोना काट लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको चिपकाएँ कैसे, ये दोस्तों देखो आपको मैं बता दूँ, ये जॉइंट आता है इस तरीके से, ये जॉइंट आता है, दो जॉइंट आता है यहाँ पर, एक जॉइंट यहाँ आता है एक जॉइंट यहाँ आता है, तो हम इस जॉइंटों को यहाँ से काट लेते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो जॉइंट होता है ना वो जॉइंट की साइड हमें लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे दो जॉइंट थे, और ये हमारा ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता है कि ये नीचे कराएं, कोई ऐसे भी लगा लेते हैं, तो ध्यान रखना है कि जो ये ज़्यादा निकला हुआ हिस्सा होता है इसको मोड़ना होता है अंदर की साइड में, तो यहाँ से हम इस तरीके से इसको चिपका लेंगे, इस तरीके से चिपका लेते हैं, अच्छे से चिपका लेते हैं। और चिपकाने के बाद में ये हमारी इसके ऊपर लगने वाली कॉलर है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमसे ये कहाँ से कटिंग की थी, ये इस तरीके से थी ये यहाँ पर, तो इसको यहाँ से ये जुड़ा हुआ था, यहाँ पर हमारा हल्का हल्का निशान दिखाई दे रहा है। कई लोग ऐसे चिपका देते हैं तो वो गलत हो जाती है, तो आपको जो जहाँ से आप कटिंग करते हो ना आप यहाँ पर निशान भी लगा सकते हो, और फिर यहाँ से हम इसकी चिपका देते हैं इस तरीके से, अच्छे से चिपका लेना है इसको इस तरीके से। चिपकाने के बाद में ये कोने हमने काटे थे वो इसके ऊपर रख देंगे इस तरीके से। इससे रखने से क्या होगा कि हमारी कॉलर है वो मुड़ेगी नहीं, ज़्यादातर हम इस तरीके से नहीं लगाएंगे तो हमारी कॉलर हैं वो मुड़ जाती है, और ग्राहक हैं वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये कॉलर हैं वो खड़ी रहेगी तो सही रहेगी। आप भी दोस्तों इस तरीके से लगाया करो। दोस्तों ये हमारी अच्छे से इसको चिपका लिया है, और यहाँ से हम कट कर लेते हैं इस तरीके से, ये हमने कट कर लिया है, और यहाँ से मैंने दो सूत छोड़ा है, तो ये हमारी बेल है, यहाँ से इसको दो सूत रखना होता है, इस बात का ध्यान रखना है, और यहाँ से कट कर देना है इस तरीके से, क्योंकि कॉलर हैं वो यहाँ से हमारी जॉइंट होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर हम हल्का हल्का कट लगा लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से कट लगा लेना है, और कट लगाने के बाद में जो ज़्यादा साइड है उस साइड हमारी एक बोंट की सिलाई आएगी, तो उस साइड से मोड़ लेना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, इस साइड से नहीं मोड़ना है, जिस साइड से ज़्यादा साइड है उस साइड से मोड़ना है, यहाँ से इस तरीके से हम मोड़ लेंगे, ये हमने मोड़ लिया है, और इसको हम रख देते हैं, और इस कॉलर के ये ऊपर कपड़ा बचा हुआ है तो हम नीचे की साइड में इस तरीके से मोड़ लेंगे,
यही से में काम में ले लेंगे। और यहाँ पर भी हम प्रेस लगा देंगे हल्की सी इस तरीके से। ठीक दोस्तों, अब इसमें दो काम रह गया है, एक तो जेब का रह गया है और एक चौक पट्टी का रह गया है। तो दोस्तों हम इसमें चौक पट्टी चिपका लेंगे, यहाँ से हम इस कपड़े को सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक, ये हमने सीधा कर लिया है और सीधा करने के बाद में हल्की सी प्रेस लगाने लेनी है यहाँ से इस तरीके से। ये हमने हल्की प्रेस लगा ली है और ये हमने पट्टियाँ काटी है 1 इंची की और इसको यहाँ से चिपका देते हैं। 7 इंची लंबाई है, 1 इंची चौड़ी है। इसको दोस्तों जो चौक पट्टी लगाते हैं आज 3 में वो हम बना रहे हैं, तो ये मैंने छोड़ के यहाँ से और इस तरीके से इसको चिपका लिया है और यहाँ से मोड़ लेना है इस तरीके से मोड़ के। और हमारी जितनी ये 7 इंची लंबाई है ये हम कट कर लेते हैं बाकी कपड़े को इस तरीके से। ये हमने कट कर लिया है और फिर हम यहाँ से इस तरीके से मोड़ेंगे इसको ये, और मोड़ के और यहाँ से प्रेस लगा लेंगे इस तरीके से। प्रेस लगाने के बाद में दोस्तों यहाँ से हमें सिलाई मार्जिन रखना होता है, तो लगभग हम 2 सूट सिलाई मार्जिन रख के और कट कर लेंगे। तो ये हमारी एक चौक पट्टी बन के तैयार हैं। इसी प्रकार से हम एक चौक पट्टी और बना लेंगे, तो यहाँ पर हम छोड़ेंगे लगभग 2 या 3 सूट छोड़ेंगे मोड़ने के लिए और फिर यहाँ से हम इसको चिपका देंगे इस तरीके से। चिपका देंगे और चिपकाने के बाद में इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम प्रेस लगा लेंगे इस तरीके से, और प्रेस लगाने के बाद में इसको एक बार और मोड़ देंगे इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद में यहाँ से जिस प्रकार हमने पहले छोड़ा था सिलाई मार्जिन वो भी यहाँ से कट कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब है इसकी जेब बनाने की। तो जेब कैसे बनाएंगे, ये इसका डबल तीरा है, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और ये हमारा निकला हुआ कपड़ा बचा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से खोल लेंगे और खोल के यहाँ से प्रेस लगा लेंगे हल्की हल्की। प्रेस लगाने के बाद में यहाँ से लगभग हम 6 या 7 इंची लंबाई का ये काट लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हम इसको जो हमारी ये 1 इंची की पट्टी है वो काट लेंगे इस तरीके से काट के, और यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ से चिपका लेंगे इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ से इसको मोड़ेंगे इस तरीके से मोड़ लेंगे, और फिर इसको इस तरीके से मोड़ देंगे। इससे क्या होता है कि हमारी जेब हैं जो मुड़ेगी नहीं सही तरीके से, सिलाई भी हो जाती है, अच्छी भी लगती है इससे लगाने से। तो इस तरीके से हम लगा लिया है, और यह हमारा शर्ट का पैटर्न है, तो हम इसमें यहाँ पर रखेंगे, देख लेंगे हमने जो जो हमारी जो ये यहाँ तक आ रही है, और ये साइड का कपड़ा है हम कट कर लेंगे इस तरीके से, और दूसरी साइड का कपड़ा है वो भी हम कट कर लेंगे एक्स्ट्रा छोड़ के इस तरीके से, और यहाँ पर हम बराबर में रख लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इसको मोड़ लेंगे इस प्रकार से, और दूसरी साइड भी हम इस प्रकार से मोड़ लेंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ से हम मोड़ लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से अच्छे से मोड़ लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये शर्ट की जो खर्चा होता है वो हम बहुत ही आसान तरीके से कर लेते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से कर लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये हमारी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करना। मिलते हैं और नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।